मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं मुंबई। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं वीडियो, कश्मीर के रिलेटेड वीडियो देखते हैं, वीडियो उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। हमको वहां जाना है उस पार, तो बॉर्डर देखेंगे LOC वहां। आप जब लुद्रवन पहुंच जाओगे ना, वो आपको LOC तक ले जाएंगे। वहां से जाने देगी फौज, वहां बॉर्डर है। फौज वहां पे इनसिक्योर समझती है कोई भी सिविल बंदा। एंडी, यू लाइक टी? यू लाइक टी? एंडी, यू वांट टू गो पाकिस्तान? यस यस, विदाउट वीजा? यस। आप पहले ट्रैवलर्स हैं इंडिया के, एंड ही इज द फर्स्ट फॉरेनर हु केम हियर। बहुत सोहने दरख्त है भाई, हुण तक ना खबरां च सुनदे सी ओडी सेक्टर कुपवाड़ा फलाना फलाना, सारा जखी देखांगे। ये भाई मुजफ्फराबाद पता केड़ा है, पाकिस्तान वाला है मुजफ्फराबाद, पुरी बारामूला। हाँ तो फिर कहाँ तक जा सकते हैं अगर उन... है। जहाँ तक वो लिखेंगे आपको। आपको कहाँ जाना है इस वक्त, इस टाइम कहाँ जाना? नहीं, इस वक्त तो लुद्रवन जाना है। आप जब लुद्रवन पहुँच जाओगे ना, वो आपको LOC तक ले जाएंगे। अच्छा, वो LOC तक ले जाएंगे। नहीं, बिना परमिशन नहीं जा सकते? नहीं, नहीं, बिना परमिशन भी वहाँ से आजकल नहीं करना। क्या नहीं, हमको तो एक्चुअली हमको तो बॉर्डर देखना है खाली, बस कहाँ है, बिकॉज हमने पंजाब में तो अपना बॉर्डर तो देखा है, पंजाब में तो यहाँ नहीं देखा। घूमे हम तो पहले कहाँ से आए हैं? कहाँ से? पंजाब से, पटेल बरनाला। संगरूर की गाड़ी है? हाँ, संगरूर की गाड़ी है बरनाला। हाँ चलो, आप बैठो, चाय पियो पहले, फिर जाओ। ठीक है, थैंक यू। यहाँ से नजदीक है, कितना टाइम लगेगा? आप जब लुद्रवन पहुँच जाओगे तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर का रास्ता वो भी होगा। अच्छा, 2-3 किलोमीटर ही है? हाँ जी। ओके, थैंक यू। असी पहुंच गए जी कुपवाड़ा सिटी, तो LOC इतों सिर्फ 47 किलोमीटर है लगी है। बहुत सारिया तारा लगिया हुई, इतने सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पता नहीं कदों कदियाँ लगिया हुई बेचारिया। तो देखो गन चढ़े हुए इन्हों, सिर्फ 47 किलोमीटर होर जाना है, इस राह नूं जा रहे हैं LOC। ये कुपवाड़े शहर का बस स्टैंड है बई, तो जिथे असी खड़े हाँ। बसा देखो इतों दियाँ, डिफरेंट कल्चर, शिंगारियां हुई पूरी, ये सारिया बसा, कमाल कमाल कमाल। यहाँ पे कौवे कितने बड़े बड़े हैं ना, ये इतने बड़े, ये क्यों है? चील है ए। पहुंच गए इकबाल बाई दे पिंड, पिंड नू मोड़ ली गड्डी, पिंड दा नाम है जरामा, LOC दे नेड़े, ते हुण जावांगे उहनां दे आपां घर। आ जा खुशी। तो ये है भाई इकबाल भाई का घर। हम मियां जी कैसे हो? इकबाल भाई दा घर पहुंच गए। हेलो, कैसे हो? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए भाई जान के घर चलते हैं अभी। इतने बई मौसम के मिजाज का पता नहीं लगता, घरे पहुंचे बारिश शुरू हो गई है। फौज वहां पे इनसिक्योर समझती है कोई भी सिविल बंदा, जाने नहीं देती, कभी जाने नहीं देते हैं। ठीक है, देखते हैं, ट्राई मारते हैं, ट्राई मारेंगे इफ दे अलाउ अस टू गो। ओके, ते ओ सामने है भाई पहाड़ी, वही है ना वो सामने पहाड़ी, वो वाली वहां से जाने देगी फौज, वहां बॉर्डर है। बस वहां वहां उतर जाके वहां से नीचे उतर के है। ठीक है। ओ सज्जनों, अभी हमारी जान इकबाल मियां के हाथ में है, ये गाड़ी चला रहे हैं, हमको लेके जा रहे हैं ये LOC।
ये अंधे अंधे रास्ते हैं, कुछ मोड़ खोड़ बहुत सारे। LOC जा रहे हैं भाई, LOC लास्ट पिंड इंडिया का, वो देखन कुपवाड़ा रह गया थले, ओ सामने असि जा रहे हैं उपर 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 चढ़ते। हमको वहां जाना है उस पार, थोड़ा सा रह गया अभी भाई जन, तो वहां चले जाएंगे तो बॉर्डर देखेंगे LOC वहां। गाड़ी रुकना थोड़ा, गाड़ी आ रही है। ओके सर। ए भाई LOC का नहीं चले नहीं कहते मुंडे मेरे भाईओ, चढ़ाई बहुत ज्यादा है। ज्यादा चढ़ाई है, गाड़ी का कोई कसूर नहीं उसमें, जा रही है इतना ही कमी है, जो चल रही है मेरी जान मुस्का के चल रही है। जड़ा हरा हरा घा दिखता है वो कुप बड़ा उपर आ गए, असि बिलकुल टॉप ते, ये पहाड़ियां पाकिस्तान वालिया च जावे हूं। भाई लोग ये यहाँ अभी हम खड़े हैं, ये कितने हजार फीट है, 10,000 फीट। ये हमारे पीछे है जो आप बॉर्डर देख रहे हो, अभी बताओ इकबाल भाई ये सेंसिटिव जोन कैसा है। LOC एरिया है 10,000 की फीट पे, मुझे लगता है इंडिया का सबसे सेंसिटिव जोन है, बिकॉज यहाँ पे जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ से आगे जाना किसी भी सिविलियन को अलाउड नहीं है, खाली उनको जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ की आबादी तकरीबन 1,000 लोगों की है। यहाँ से पता है क्या भाई, आगे जाना अलाउड नहीं है, जो जो पीछे आप हट्स वगैरह ये देख रहे हो, जो लास्ट कैंप है इंडियन आर्मी का, वो पीछे वाला पहाड़ पाकिस्तान में ही है अभी, इससे आगे हमको परमिशन नहीं दिया। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ही तरले मिन्नतें की, पर उन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा भी कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, सिर्फ ND करके सानू अगे नहीं जान दिता गया। ND ने पंगे पाए ने साडे नाल सी ND, क्योंकि वह फॉरनर है, वह कहते जे इनू कुछ हो गया तो सानू भी इंडियनज नू, गवर्नमेंट इंडिया नू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू जवाब देना पऊगा जे ND नू कुछ हो गया, तो करके वह कहते तुसी जा सकते सी जे कल्ले तुसी हुंदे नाल, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਅਸ ਟੂ ਗੋ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। Yes, apparently it's okay for you to get shot. Yes. And for Iqbal to get shot. You see the push you to get shot. You see. You see the border, Pakistan border. You Pakistan hills. You I see. I saw. Okay, it's good. I want to go. Great experience. You want to go there? No, it's a good experience sitting with the army. Okay. Good experience sitting with the army boys, having a cup of tea. ਬਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਲਾਊਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇਸਕੋ ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਹੈ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਥਾ, ਇਸਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਮਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਥਾ, ਔਰ ਹਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋ ਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦੇ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਯੈਸ ਯੈਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ? ਯੈਸ।
ट्राई फास्ट फुटबॉल अंगू उठता जाऊगा वही फुटबॉल अंगू फाइनली वापस जा रहे हैं भाई थोड़े निराश भी हैं पर खुश भी हैं क्योंकि असि पहले लोग हैं जिहड़े इत्थे तक आए हैं ते वैसे किसी नूं अलाउड नहीं करदे फर्स्ट ट्रैवलर्स हू केम इकबाल भाई बोलो बोलो क्या बोलते हो भी आप पहले ट्रैवलर्स हैं इंडिया के एंड ही इज द फर्स्ट फॉरेनर हू केम हियर बिकॉज़ इट्स द हाईएस्ट सेंसिटिव एंड सिक्योर जोन ऑफ इंडिया एंडी इज द फर्स्ट पर्सन मेरे ख्याल से पहला ब्रिटिश नागरिक होगा ये जो इस बॉर्डर पे आया है एंडी You are the first one British people. Yes, number one. Who come here? अच्छा और आप लोग मेरे ख्याल से पहले पंजाबी ट्रैवलर्स हैं जिनको यहाँ तक आने की इजाजत दी गई क्योंकि यहाँ से बिल्कुल इंडिया का टाइट जोन शुरू हो जाता है और यहाँ से चंद किलोमीटर के दूरी पे पाकिस्तान बॉर्डर भी है और हर वक्त खतरा भी रहता है किसी भी दुर्घटना का इसलिए हम यहाँ पे यहाँ से ही हमने पैकअप कर लिया और वापस जा रहे हैं वहाँ पे हमारा अच्छा वेलकम किया उन लोगों ने चाय वगैरह भी पिला ली एंड एंडी बहुत खुश है एंड ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड और खुशी भी बहुत खुश है सभी बहुत खुश है भाई शैम्पी दी दद्दी जवाब देगी कहीं मैं चढ़ती नहीं हैगी एंडी कार इज नॉट गोइंग पुश 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 भाई थले इनी उची आ गए कुपवाड़े तो थले कुपवाड़ा दिख रहा सामने ते कार जवाब देगी हाइट बहुत है कहने भी मैं जानती नहीं हैगी ते देखते हैं हुण पिछे लेके आए थोड़ी जी पिछे जाके फिर आएंगे इकबाल भाई हमारे ड्राइवर हैं ये अभी चलाएंगे चढ़ा दोगे आपको क्या लगता है चढ़ जाएगी जाएगी ऊपर जाएगी पक्का जोर लगाएंगे पूरा हाई शाह हाई शाह जी वीडियो हो गई खत्म कादर भाई कश्मीर के रिलेटेड वीडियो ना और माहौल ना देखने को मिले इतना खूबसूरत जो कश्मीर है मैं कहता हूँ ये जो डेवलपमेंट के हिसाब से तो यूसुफ भाई ने ये विजिट किया है मैं कहता हूँ इतना खास इंतजाम नहीं हुआ जैसे रोड पाकिस्तान की तरफ बने हुए हैं जम्मू के अंदर ऐसी फैसिलिटी अभी भी नहीं मैं कहता मान रहा जो बस अड्डे पर बस उधर इतनी सफाई इतना खूबसूरत कश्मीर होने के बावजूद और उधर सफाई ना होना मैं कहता हूँ ये कश्मीरी के लोकल बता रहे थे ना कि वो देखो तारों के ऊपर ना भाई जो लोकल है ना उधर के लोकल नु मैं दे जो लोकल आम है जो इतनी खूबसूरत कश्मीर है उसको सफाई का ये पूरे एशिया में पूरे भारत में पाकिस्तान में ये सफाई का तो सारी दुनिया कश्मीर को देखना चाहती है तो जितना भी सफाई हो कश्मीर में उसकी लोकल आवाम का इसमें रोल होगा कि उसको इतना खूबसूरत बनाए उधर गंदगी का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए जितना टूरिस्ट रूल गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल होना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि वो रूल के ऊपर ना चल कर आए गवर्नमेंट इधर फैसिलिटी दे सकती है उधर डब्बे लगा सकती है जो शहूर है ना वो उधर के आवाम भी इस्तेमाल करेंगे उनके ऊपर और उनकी बात मानेंगे मेंटेनेंस तो आवाम नहीं करना है ना जो भी वैसे जो विजिट एक गोरे को ये करवा रहे थे मतलब उन्होंने तो दिल तो उसका था कि मैं जाऊँ आगे पाकिस्तान की तरफ भी मतलब एलओसी के ऊपर आगे भी चला जाऊं लेकिन वो इजाजत नहीं होती ना भाई आगे अलाउ नहीं होता ना इंडियन जाने देते हैं जाने तो ना ही पाकिस्तानी जाने देते हैं और दरमियान में वो पहाड़ है ड्रीम चेजर साहब जो करते हैं ना कश्मीर पर वो तो बिल्कुल एलओसी पर उधर पाकिस्तानी नजर आते हैं तो दोनों तरफ से उनको बताया गया होता है गुलजार भाई ये भी है ना वो कह रहे थे कि पंजाबी लोग जा सकते हैं जो ये आया ना फॉरेनर अभी से नहीं लेके जा सकते इसकी जान को अगर कोई खतरा हो गया वैसे गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा बिल्कुल भाई रुमान जवाब वो उनके मेहमान है ना बिल्कुल उनका एहतराम करना इज्जत करना उन्हें घुमाना फिराना खिलाना उनकी
मतलब खातरदारी करना हो इंडियन के अपनी मना। ये बात यकूब भाई करता हूँ कि दोनों मुल्क के दरमियान खुशहाली हो है, अमन आ जाए तो ये कितनी अच्छी टूरिस्ट प्लेस होगी कश्मीर के। यार अमन तो पहले भी है लेकिन सियासतदानों में नहीं है, उन्होंने उलझा के रखा हुआ है, अवाम में तो कुछ भी नहीं। आपने पहले वीडियो नहीं की थी कश्मीर की, वो इंडिया की तरफ खड़ा होकर कश्मीर का ब्लॉगर वो बता रहा था और पाकिस्तानी को ऐसे हाथ हिला रहा था, पाकिस्तानी क्या कह रहे थे वो भी आए प्यार की बातें कर रहे दूर से ये भी कर रहे, वो कह रहा था अगर काश की हमारी ये सियासतदानों की बातें ना होती तो हमारे दरमियान को लड़ाई ना होती, एक नहर ही तो है, नहर इधर हम पुल भी बना सकते थे, आना जाना भी हो सकता था, लेकिन मजबूरी है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी हुकूमतों को देनी चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर में चाहे आजाद कश्मीर में, हुकूमत को इधर टूरिस्ट सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आता है वो कश्मीर में आता है भाई। एक गुलजार में को इतना खूबसूरती है ना, वो कुदरती इतना खूबसूरत है, जो थोड़ी बहुत ये गंदगी है ये सफाई हो जाए तो ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया का स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है। इतना पैसा इधर टूरिस्ट से आएगा ना ये बहुत तरक्की करेगी। इंडस्ट्री की जरूरत नहीं भाई, इंडिया पहले भी कश्मीर में बहुत ज्यादा भाई पैसा कमा रहा है, हमारी तरफ कम होता है क्योंकि थोड़ा हमारा स्कोर टूरिस्ट से जो ज्यादा पैसा आता है ना, मैं कहता हूँ वो मुल्क तरक्की करते हैं। जो दुबई है वो सबसे ज्यादा इस वक्त पैसा है वो टूरिस्ट उस पर ला रहा है, बिल्कुल टूरिस्ट आते हैं कश्मीर में, इंडिया के चाहे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान में, इसको इतना खूबसूरत बनाया कि वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड से इधर लोग। और गुजार भाई मैंने एक बड़ी बात नोट की है, जो ये कश्मीर के लोग है ना एक ईमानदार और मेहमान नवाज बड़े हैं और ईमानदार। आप भी अबू भाई नाम भाई के साथ गए तो उनका एक वॉलेट गुम हुआ था, आप खुद अंदाजा लगा लें 10-15 दिन बाद उन्होंने कॉल करके कह दी कि आपका वॉलेट है, अगर कोई होता वैसे उन्होंने रख लेना था, इतने पैसे थे उसमें। भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो टूरिस्ट की इज्जत नहीं ना करता वो कौम तबाह हो जाती है, उधर टूरिस्ट लेने क्या जाएगा जो आपको वेलकम ही नहीं गए। हमारा अदनान भाई गए थे कलाश, मैं कहता हूँ इतना मेहमान नवाज वो कबीला है कलाश का, और इतनी खूबसूरती के लिहाज से मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो खूबसूरत है ना वो कलाश। अभी वो पतझड़ का मैं भी गया था गुजार, वो पतझड़ का मौसम था अभी तक तो, मतलब सब्जा या हरियाली जिस तरह अंदर आती है ना वो नहीं था, मेहमान भी खूबसूरत और मेहमान नवाज भी बहुत अच्छी लोग है कश्मीर के, बहुत चाहते हैं भाई साहब, बहुत अच्छा भाई। वो अपनी रोजी रोटी है, हमारे जो टूरिस्ट उधर जाते हैं उनकी वो रोजी रोटी ये टूरिस्ट के जरिए वो अपना माशियत इसी तरह कमाते हैं, इनकी वजह से इनके इज्जत नहीं देंगे भाई, इज्जत नहीं देंगे। वो पीछे एक हादसा हो गया था कश्मीर इधर हमारे यहाँ नहीं मरी की उससे दिल बहुत ज्यादा जा रही, वो तो एक कुदरत की तरफ से आया हुआ है ना यकूब भाई, यार वो जान बुझ के किसी ने नहीं किया था, वो तो बर्फ की वजह से हो गया था। वही मैं आवाम को वो सिर्फ इतनी गवर्नमेंट की गलती थी कि जो उनको रोक वजीर दाखिला थे शेख रशीद साहब, उनको चाहिए था उतनी ही गाड़ी जाने देते जितनी जगह थी, लेकिन उन्होंने हद से ज्यादा अवाम को जाने दी, आगे रास्ता बंद था, अवाम को भी होना चाहिए कि बर्फबारी हो रही है तो साड़ी अवाम भी नहीं ना सोचती, थोड़ा सा वो भी सोच लेते तो कुछ बचत हो जाती, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हमारे पाकिस्तान के जो मरिया उधर बहुत ज्यादा नुकसान, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बस जो अल्लाह की मर्जी थी इस तरह हुआ, लेकिन ओवरऑल कश्मीर है भाई, पूरी दुनिया उसको देखना चाहती, चाहे वो पाकिस्तान वाला हिस्सा है चाहे वो इंडिया वाला हिस्सा है, हम तो यही की बात हो तो बंदा देखना ना चाहे, कोई ऐसा दुनिया में बंदा है ही नहीं। तो भाई मैं ये बात करना हूँ, दोनों ममालिक के दरमियान अमन होगा कश्मीर को भी खुशहाल करने में, एक कदम इंडिया आगे बढ़ाए और पाकिस्तान भी बढ़ाए, और ये दुश्मनी है ना ये छोड़ दें भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल यही बात है, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह।